सुप्रभात, मैं देवी प्रसाद तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज की कक्षा 9वीं क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा पहला पद रैदास के पद का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। बनारस में उनका जन्म हुआ था और रैदास निर्गुण शाखा के कवि थे। मतलब ये उनके जो ईश्वर थे वो निराकार थे, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नहीं गए, बल्कि यह निर्विकार ईश्वर की उपासना की है, निर्विकार ईश्वर को याद करने के लिए गए हैं। रैदास जी कबीरदास के समकालीन हैं, या कह सकते हैं कि कबीरदास से बड़े हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ है। मतलब कबीरदास से यह 10 साल के बड़े हैं। और उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनके 12 शिष्य थे जिनमें कबीरदास, रैदास, धन्ना इत्यादि 12 थे, जो सब निर्गुण संप्रदाय के कवि थे और समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का इन्होंने काम किया। उस समय समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त था, लोग आडंबर दिखावे के प्रति जिनका लगाव था, उन लोगों को इन्होंने सीख दिया है, समझाया है। इस पाठ में रैदास जी ने अपने प्रभु की तुलना किए हैं, अपने साथ अलग अलग पदार्थ को जोड़ करके उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयत्न किए हैं, या अपने ईश्वर को अपने साथ तुलना कर रहे हैं, किस तरह से जो है हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इनके जो ईश्वर निराकार है। तो आइए पढ़ते हैं पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। तब किस तरह से जो है अपने आप को अलग अलग पदार्थों के द्वारा प्रभु से तुलना कर रहे हैं। अब कैसे छूटे, यानी हे प्रभु अब मुझे आपके नाम की रटने की तो आदत हो गई है, तो उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हे प्रभु मैं आपके नाम के रटने की आदत के कारण मैं आपको छोड़ नहीं सकता, ये आदत छूटेगी कैसे, ये तो मुझे आदत लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। हे प्रभु जिस प्रकार से चंदन में पानी मिल जाने से, चंदन की वजह से पानी की सुंदरता बढ़ जाती है, पानी में सुगंध समा जाती है और जब हम उसको लगाते हैं तो हमारा मस्तिष्क सुगंधित हो जाता है, हमारी शरीर सुगंधित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही अंग अंग वास समानी, ठीक उसी प्रकार से आपके प्रेम में मैं इतना रंग चुका हूँ कि उसकी सुगंध मेरे शरीर में अंग अंग में व्याप्त है। यानी मैं हे प्रभु आपके भक्ति में इतना रम गया हूँ, इतना खो गया हूँ कि जो आपके भक्ति की सुगंध है, खुशबू है, वह मेरे पूरे शरीर में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे प्रभु तुम बन घन हो, मतलब बादल हो, घन का मतलब बादल। हे प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर मयूर पक्षी हूँ। जब आसमान में बरसात के दिनों में बादल उमड़ता है तो बादल को उमड़ते हुए देखकर, खास करके जब सावन का महीना आता है तो उसमें आसमान में काले काले बादल उमड़ते रहते हैं और उस बादल को देखने के बाद मयूर पक्षी नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही हे प्रभु आप बादल हैं तो मैं वही मयूर पक्षी हूँ, यानी मैं आपको देखकर प्रसन्नता से खुशी से नाचने लगता हूँ। और जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब देखना, जैसे चकोर पक्षी अपने प्रेतम अपने चंद्रमा को निहारती रहती है, दिन रात देखती रहती है, ठीक वैसे ही मैं भी आपको आपके स्वरूप को 24 घंटा आठों पहर याद करता रहूँगा, देखता रहूँगा और हमेशा आपके नाम को जपता रहूँगा, हमेशा आपके नाम को रटता रहूँगा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु तुम अगर दीपक हो
तो मैं उसकी बाती हूँ, यानी जब दीपक को हम जलाते हैं, दीपक जलता है तो उसके साथ साथ बाती भी जलती, बत्ती भी उसमें रहती है, जलती रहती है, प्रकाशित करती है, अंधेरा दूर करती है। तो ठीक वैसे ही प्रभु आपके प्रेम रूपी दीपक में मेरे मन का अंधेरा दूर हो जाएगा, अर्थात मैं भी आपके साथ जलूंगी, जाकी ज्योति बने भरे दिन रात, जिसकी ज्योति जिसकी लौ दिन रात जलती रहती है, ऐसी दीपक की मैं बाती बनना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं आपके ऐसे दीपक की बाती बनना चाहता हूँ जो जिसकी ज्योति दिन रात बढ़ती रहती है, मैं आपको दिन रात याद करता रहना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके नाम को ना जपूँ, मैं आपके नाम को हमेशा जपते रहना चाहता हूँ, हमेशा याद करते रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में लसुहागा। हे प्रभु तुम अगर मोती हो तो मैं उस मोती में पिरोने वाला धागा हूँ। जो मोती की माला बनाई जाती है, जब माला पहना जाता है उस मोती में धागा पिरोया जाता है, धागा के माध्यम से उस मोती को एक माला के रूप में माला का आकार दिया जाता है। तो कभी ऐसा बोल रहे हैं मैं वही धागा बनना चाहता हूँ जिस धागे में मोती को पिरोया जाता है, जैसे सोने मिलत सुहागा। और ठीक उसी प्रकार से सोने में जब सुहागा को मिलाया जाता है, सुहागा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको मिलाने से सोने की शुद्धता बढ़ जाती है, यानी सोना शुद्ध हो जाता है। शुद्ध इसलिए हो जाता है जब हम आभूषण बनाते हैं, गहने बनाते हैं, तो उस गहने को बनाने के लिए सुहागा मिलाना पड़ता है। तो प्रभु जी अगर तुम होती हो तो मैं उसमें पिरोने वाली धागा हूँ, ठीक वैसे जैसे सोने में सुहागा को मिला करके हम सोने की शुद्धता को बनाते हैं, शुद्धता को प्रमाणित करते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ, मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। तब इस पाठ में इस पद में रैदास जी ने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, प्रभु के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है कि किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आपके नाम को त्याग नहीं सकता, हर रूप में मैं आपको जपना चाहता हूँ, आपके नाम को प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके प्रेम को पाना चाहता हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। और अनन्य दास्य भाव की इनकी भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति मतलब अपने आप को प्रभु का दास मानते हैं, प्रभु का अपने आप को प्रभु का सेवक मानते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं। अलग अलग उदाहरण के माध्यम से कवि ने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। आज फिर से रैदास के पद का दूसरा पद हम पढ़ेंगे, जिसमें रैदास जी ने भगवान के कृपा के ऊपर बताया है कि भगवान किस तरह से अपनी कृपा सबके ऊपर बरसाते हैं, किस तरह से अपनी कृपा सबको दिखाते हैं। मतलब भगवान हर जगह व्याप्त हैं, कणकण में व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सगुण और निर्गुण सारे विचारधारा के जो है कवियों ने यह माना है कि प्रभु हर जगह व्याप्त हैं, उन्हें ढूंढने के लिए हमें काबा कैलाश यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, मन एकाग्र होना चाहिए। जब तक मन एकाग्र नहीं है तब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, दोनों बात है। तो जब हमारा मन पवित्र होगा, हृदय सच्चा होगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और तभी भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। अनेक कवियों ने इस चीज को लिखा है, बताया है, चाहे वो सगुण के हो या निर्गुण के हो, सबका मत एक ही है कि हरि जो है हर जगह व्याप्त है, उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें एकाग्र होने की आवश्यकता, मन पवित्र करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, मानव ही एक दूसरे के काम में आना चाहिए, मानवता अगर है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, सुख में आए ना आए पर दुख में जरूर काम आए, यही सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, आपसी भाईचारा होना चाहिए।
अगर इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण बना रहता है तो यह हमारी पृथ्वी ही स्वर्ग के समान लगेगी। मनुष्य का जन्म मिला है और मनुष्य केवल बस अपने विषय में सोचे कि बस मैं अपने विषय में सोचूं, मेरा परिवार, मेरा घर, अपना खुद के विषय में सोचे, दूसरों के विषय में ना सोचे, तो वह साक्षात पशु के समान है। जैसे पशु घास के मैदान में जाता है, घास खाता है और खा के वापस आता है, अपने बछड़े तक के लिए घास लेके नहीं आता है। इंसान भी अगर ऐसा ही काम करे तो पशु और इंसान में अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों एक ही श्रेणी के कहलाएंगे। तो मानव का यह कर्तव्य है कि वह सबकी जो है भलाई करे, सबके विषय में सोचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, संस्कृत में भी कहा गया है। तो रैदास जी ने कहा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरे माथे छत्र धरे, जाति छोटी जगत को उलागे तापर तुम धरे, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचन सदना सैन उतरे, कही रविदास सुनो रे संतों हरि जूते सब ऐसे। अर्थात ऐसी लाल मतलब हे स्वामी, लाल का अर्थ है स्वामी, एक लाल का अर्थ होता है पुत्र, दूसरा लाल एक रंग भी होता है, परंतु यहाँ रंग या पुत्र से मतलब नहीं है, क्योंकि रैदास जी दास्य भाव की भक्ति करते हैं, यानी अपने आप को सेवक मानते हैं, प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, तो यहाँ लाल मतलब स्वामी। हे स्वामी तुझ बिन कौन करे, यानी तुम्हारे बिना ऐसा कौन कर सकता है, हे प्रभु तुम ही सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ है कि तुम्हारे बिना ऐसा कोई नहीं कर सकता। गरीब निवाज गोसैया, हे स्वामी, गोसैया मतलब स्वामी, तुम गरीबों के मसीहा हो, गरीबों पर दया करने वाले हो। गरीब निवाज मतलब गरीबों के ऊपर दया करने वाले हो। मेरा माथे छत्र धरे, मेरे माथे, मेरे सिर पे भी आप छत्र मुकुट धारण कराओगे, जैसे राजा अपने सिर पे मुकुट धारण करता है, वैसे ही आप भी मुझे मुकुट धारण करवाओगे, आपकी कृपा होगी, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करोगे कि मेरे ऊपर भी मुकुट, मेरे सिर पे मुकुट धारण कराओगे। जाकी छोति जगत को लागे तापर तुम धरे, हे प्रभु जिसके जिसको संसार के लोग अछूत समझते हैं, जिसे लोग छूना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है हम इस व्यक्ति को छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, यह जो छुआ छूत की समस्या है, यह बड़ी जटिल गंभीर समस्या हमारे देश की थी, यह आज के जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का अधीन था देश, तो उस समय यह समस्या बहुत गंभीर समस्या थी। लोग दूसरों को अछूत समझते थे, कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, तो यह बहुत जटिल गंभीर समस्या थी, परंतु आज वर्तमान में यह समस्या समाप्त हो गई है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। 99% मान लो कि छुआछूत की समस्या आज वर्तमान में समाप्त है। क्यों समाप्त है? क्योंकि लोग जागरूक हो गए, सजग हो गए, समझदार हो गए, पढ़ लिख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, तो समस्या का अंत धीरे धीरे होने लगा और आज कह सकते हैं कि समस्या समाप्त हो चुकी है। परंतु रैदास जी कह रहे हैं कि जाति छोत जगत को लागे, जिसको संसार के लोग छुआ छोत समझते हैं, अछोत समझते हैं, छूना नहीं चाहते हैं, तापर तुम धरे, उसके ऊपर भी तुम द्रवित होते हो, उसके ऊपर भी तुम कृपा करते हो, हे प्रभु आपके बिना, हे लाल, हे स्वामी आपके बिना ऐसा कौन कर सकता है, आप सामर्थ्यवान हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, हे मेरे गोविंद, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, तुम नीच व्यक्ति को भी ऊंचा स्थान प्रदान कर रहे हो, हे प्रभु तुम नीच व्यक्ति को भी ऊंचा स्थान प्राप्त करा रहे हो, काहू ते न डरे, तुम इस संसार में किसी से नहीं डरते, तुम इतने सामर्थ्यवान हो कि जो नीच श्रेणी में, नीच कुल में जो उत्पन्न हुआ है उसे भी तुम
ऊंचा स्थान प्रदान कर रहे हो, अर्थात तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम पूछो किसी से, किसी से तुम्हें पूछना नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो और तुम किसी से नहीं डर रहे हो, समाज में सबको समान देख रहे हो, यानी गरीबों को भी देख रहे हो, गरीबों के ऊपर भी तुम कृपा कर रहे हो, तुम्हारी कृपा उनके ऊपर भी अनन्य है, तो नीच प्राणी को भी ऊंचा स्थान दे रहे हो। हे मेरे स्वामी, आप ऐसे करुणा निधान हो, आपकी करुणा ऐसी है, आप किसी से डर नहीं रहे हो, आप किसी से नहीं डरते। रामदेव महाराष्ट्र के संत हुए, कबीर दास, त्रिलोचन मतलब त्रिलोचन, सदना सैन, ये सब निम्न कुल में उत्पन्न हुए, परंतु अपने कर्मों से व्यक्ति ऊंचा और नीचा होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे, कर्म हमारा अच्छा है तो हम उच्च कुल के कहलाएंगे, कुलीन कहलाएंगे, कर्म अच्छा नहीं है, उच्च कुल में भी जन्म लेने के बाद हमारा जीना व्यर्थ है। स्वर्ण के पात्र में अगर मदिरा भरा हो और साधु व्यक्ति को कहा जाए कि आप पी लो, तो वह उसको इनकार कर देगा, नहीं, तो वह स्वर्ण का पात्र भी उसके लिए निंदनीय है। ठीक वैसे आप भी गरीबों को देखते हो, गरीबों पर दया करते हो, गरीबों के ऊपर करुणा दिखाते हो, क्यों? क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यह जो संत हुए, इनके बहुत से लोग अनुयायी हुए, भक्त हुए, इनके पीछे चलने वाले लोग हुए, इन सबका आपने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आप अपना मान सम्मान घटा सकते हो, परंतु अपने भक्तों का मान सम्मान आप नहीं घटा सकते। इन्हें आपने आज संसार में प्रसिद्ध कर दिया, उच्च श्रेणी के संत कहलाते हैं ये लोग। कर्म इनका अच्छा था, रैदास जी ही चमड़े का काम करते थे, जूता सिलते थे, परंतु कर्म इतना अच्छा था, कर्म इन्होंने इतना अच्छा किया प्रभु को प्राप्त करने के लिए कि आज संत कहलाते हैं। संत रविदास, रैदास को आज संत रविदास के नाम से जाना जाता है, इनके नाम पे उत्तर प्रदेश में जिले का नाम है संत रविदास नगर। तो क्यों? क्योंकि इनकी कृति इतनी महान है। हर व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, कुछ न कुछ ऐसा कर्म करता है कि उसकी कीर्ति फैले, उसका यश सारे संसार में फैले, जाने के बाद लोग उसको याद करें, भाई यह व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसके कर्म अच्छे थे। कुल अच्छा नहीं होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म अच्छा है तो लोग हमें पूजेंगे, कर्म अच्छा नहीं है, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति को लोग नहीं पूछते हैं। कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान विश्व करीरा का, संपूर्ण संसार में कर्म की प्रधानता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमें भी कर्म करना है, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सब लोग याद करेंगे। कई रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सबे सरे, रविदास जी कह रहे हैं हे संतो सुनो, जो हरि जी है, जो भगवान है, जो हमारे स्वामी है, वे कुछ भी कर सकते हैं, सभय सरे, उनके द्वारा सब कुछ संभव है, वे सब कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी ताकत है कि वह सब कुछ करने में सक्षम है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि गरीबों पे दया दिखा रहे हैं। रविदास बोल रहे हैं कि मेरे सिर पे मुकुट धारण करा रहे हैं, जिसको संसार के लोग अछूत मानते हैं उसे भी उच्च पद भी दिला रहे हैं। तो कैसे? उनके कर्मों की वजह से। भगवान सच्चे हृदय, निर्मल हृदय आपका है तो आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। दिखावा करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो रैदास जी ने अपने दूसरे पद में भगवान की महानता का उल्लेख किया, भगवान की महानता का वर्णन किया है कि भगवान के घर में गरीब अमीर ऊंच नीच का वर्ग नहीं है, वह सबको एक समान नेत्रों से देखते हैं, एक समान नजरों से देखते हैं। कोई एक पिता के पांच पुत्र हैं तो पिता का स्नेह पांचों में बराबर रहता है, ऐसा नहीं कि पिता बड़े को ज्यादा मानता हो, छोटे को कम मानता हो, ऐसा नहीं। माता पिता का स्नेह अपने पांचों पुत्रों पे बराबर होता है, पुत्र भले ही एक कोई अच्छा है, एक कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, दूसरा कोई कम पढ़ा लिखा है, तीसरा नहीं पढ़ा है, अलग अलग पांचों हैं, पांचों की मनोप्रवृत्ति अलग है, विचार अलग है, कर्म अलग है, काम अलग है, फिर भी जो है पिता उन पांचों को देखता है। ठीक वैसे ही भगवान भी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, तो
हमारे कर्मों को देखते हैं हम क्या कर रहे हैं और उसके अनुसार हमें फल देते हैं। और हम भगवान को जैसे याद करेंगे, जैसे भगवान को जिस हृदय से मनाएंगे, भगवान वैसे ही हमें प्राप्त होंगे। तो स्वामी रैदास जी ने इस पद में बड़ी ही सुंदर स्तुति की है भगवान की, बड़ा ही सुंदर प्रार्थना किया है कि प्रभु आप सामर्थ्यवान हो और आप किसी से नहीं डरते, इसलिए आप नीच व्यक्ति को भी ऊंचा पदवी दिलाते हो, यह सब आपके ही द्वारा संभव है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद आज की कक्षा में।